सोहाई के सुखमाच नाश्ट मैं बताऊँगा पोस्ट कैटेगरीज के बारे में। फिलहाल अगर हम बात करें तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने बात किया था किस तरीके से जो है कि आप अपने वर्डप्रेस पे फर्स्ट पोस्ट को आप लिख सकते हैं, पहला पोस्ट कैसे आप लिख सकते हैं अपने वर्डप्रेस पे, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था। आज मैं आपको ये बताऊँगा किस तरीके से जो है कि आप जो है कि अपने वर्डप्रेस पे कि किस तरीके से इनकी कैटेगरीज को डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल अभी आप देखें तो यहाँ पर अन कैटेगरीज लिख के आ रहा है, इनको कैसे डिफाइन करेंगे, किसी से यहाँ पे कैटेगरीज में यूज़ करेंगे, किसी से इन पोस्ट को अगर हम बात करें तो आप मेनूज़ में यूज़ करेंगे, जो कि मेनूज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनमें कैसे इस्तेमाल करेंगे इस पोस्ट को, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैटेगरीज़ को कैसे आप पोस्ट में ऐड करेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और पोस्ट के ऊपर आएंगे, यहाँ पे जो भी आपके पोस्ट हैं वो कुछ हिस्से से यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो इन पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं, आप चाहें तो इन पोस्ट को रख सकते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो ये दो पोस्ट हमारे पास पब्लिश्ड है, तो इन पोस्ट पर क्या करना है, इसके ऊपर एडिट के टैब पर क्लिक करना है, और जैसे एडिट के टैब पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो ये पोस्ट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको दो कैटेगरीज क्या होती है, कैटेगरीज का मतलब क्या होता है, यूज़ क्या होता है, उनके यूजेस क्या होते हैं। तो देखिए कैटेगरीज का मतलब ये होता है कि इन अलग अलग पोस्ट को, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये जो अलग अलग पोस्ट हैं इसके अलावा आप जितने भी पोस्ट हैं, मतलब 100, 200, 500 बहुत सारे पोस्ट यहाँ पर आते हैं, तो उन सारे पोस्ट को आप देखेंगे तो सब अलग अलग कैटेगरीज़ के होते हैं, मतलब अलग अलग जो है कि यहाँ पे जो है कि टेक्नोलॉजी का कोई होगा, कोई जो है कि यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूज़ से रिलेटेड होगा, तो उनकी जो रिलेटेड है अगर हम बात करें तो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, कोई न्यूज़ से होगा, कोई टेक्नोलॉजी से होगा, कोई बिजनेस से होगा, इस प्रकार से अगर हम बात करें तो अलग अलग जो है कि यहाँ पर कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो हम पोस्ट को जब लिखते हैं तो जो यूज़र हैं उस यूज़र को रीडायरेक्ट करने के लिए कि वो सिंपल सा तरीका यहाँ पे यूज़ करते हैं हम, कि यूज़र जो है कि डायरेक्टली फ्री वाले पे आए या फिर जो है कि या जो है कि बिजनेस वाली कैटेगरीज पे आए, तो मतलब बिजनेस पे जब क्लिक करे यूज़र, यहाँ पे बिजनेस पे क्लिक करे तो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी पोस्ट हो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो, और जब यूज़र जो है कि यहाँ पर क्लिक करता है सिंपल पेज पर तो वो सिंपल से रिलेटेड जितने भी पेज हो वो डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हम कैटेगरीज को क्रिएट करते हैं ताकि इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये बताने के लिए कि यहाँ पे जो बिजनेस लिखा हुआ है वो बिजनेस से रिलेटेड ही पोस्ट आपको मिलेंगे, और यहाँ पे जो फ्री लिखा है वो फ्री से रिलेटेड ही यहाँ पे पोस्ट आपको मिलने वाले हैं। तो ये कैटेगरीज डिफाइन करती हैं और कैटेगरीज यही चीज़ हमको बताती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी फ़िलहाल अन कैटेगरीज है, यहाँ पे एडिट के टैब पे क्लिक करना है, और एडिट के टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर राइट साइड में आपको आना है, और राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कैटेगरीज का एक टैब यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको कैटेगरीज का टैब देखने को मिलेगा, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करेंगे देखते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कैटेगरी सेलेक्ट है वो अन कैटेगरी सेलेक्ट है। हमारे वर्डप्रेस में जैसे कि हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो दो चीज़ कॉमन हमें देखने को मिलती है, एक है जो कि पोस्ट हमें देखने को मिलता है जो कि हेलो वर्ल्ड के नाम से यहाँ पे दिया गया रहता है, और दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर अन कैटेगरीज यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसे अनटिक मार्क करना है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं ऐड न्यू कैटेगरीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है, और जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरीज को यहाँ पे बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसे मैं जो कि मैक मनी में रख देता हूँ इस तरीके से, और ये जो आप देख रहे हैं पेरेंट कैटेगरी, पेरेंट कैटेगरीज का मतलब ये है कि इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन सा जो है कि आप कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहेंगे जिसमें ये पोस्ट आपका दिखे। सिंपल सा तरीका है, हम इसे पहले वाले पे रखेंगे और इसे जो है कि सिंपल सा तरीका है, इसे जो है कि ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कैटेगरीज आ जाएगी। अगर हम बात करें इसी पोस्ट को मैं एक और कैटेगरीज यहाँ पर बना लेता हूँ, हाउ टू मैं इसे ऐड करना चाहूँगा, इस प्रकार से दो कैटेगरीज यहाँ पे बन चुकी है। तो इस प्रकार से जितने चाहें उतने कैटेगरीज आप बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये तीसरी कैटेगरीज यहाँ पे बन के रेडी हो गई। अब तीनों में से आप किस में रखना चाहते हैं इस पोस्ट को, किस में नहीं रखना चाहते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं तीनों में रखता हूँ और तीनों में मैं यहाँ पर डिस्प्ले कराऊँगा, या फिर मैं चाहता हूँ कि सिंपल सा तरीका मैक मनी में यहाँ पर ये शो हो। अब मैं इसे अपडेट कर देता हूँ, अपडेट करने के बाद सिंपली इसे यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे देखेंगे तो मैक मनी का कोई यहाँ पे टैब नहीं है। तो फिलहाल हम फटाफट से इस कैटेगरी को मेनू में ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे आएंगे अपीयरेंस पे, अपीयरेंस में आने के बाद मेनू में आएंगे, मेनू में आने के बाद जो है कि हम यहाँ पे जो है कि कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे। कैटेगरीज पे क्लिक करने के बाद ये देखते हैं मैक मनी का कैटेगरी आ चुका है, इसके पहले मैंने आपको बताया था अनकैटेगराइज था यहाँ पर जिसको हमने ऐड किया था। अब इसे जो है कि हम यहाँ से रिमूव कर देंगे अनकैटेगराइज को, और इसकी जगह पे मैक मनी को हम ऐड कर देंगे। तो ये मैक मनी यहाँ पे आ चुका है, अब इसे मैं अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने के बाद मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँगा
रिफ्रेश करूंगा तो देखते हैं यहाँ पे मैक मनी आ चुका है। और अगर कोई मैक मनी पे क्लिक करता है तो मैक मनी से रिलेटेड जो पोस्ट होंगे वो यहाँ पे आएंगे। जैसे कि मैंने इसे ऐड किया था तो ये पोस्ट मैक मनी से रिलेटेड है, इसके लिए यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं मैक मनी में इसी प्रकार से 100-200 पोस्ट में डाल दूंगा तो सारे के सारे पोस्ट यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। जैसे कि यहाँ पर ये सारे पोस्ट, दो पोस्ट अभी डिस्प्ले हो रहे हैं, तो कैटेगरीज वाइज हो जाएगा और एक बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप जो कि कैटेगरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से जो कि पोस्ट में आ सकते हैं, पोस्ट पे आवर करके रखेंगे, यहाँ पे कैटेगरीज़ के टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे कैटेगरीज़ पे टैब पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो भी कैटेगरीज़ आपने क्रिएट की है वो सब यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं कैटेगरीज़ को, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कैटेगरीज़ को, और आप चाहें तो यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं यहाँ पे कैटेगरीज। यहाँ पे ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे नाम देंगे, यहाँ पे स्लग ऑटोमेटिक आ जाएगा, या फिर उसी नाम को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। जैसे कि मैं इसे लेता हूँ बॉलीवुड न्यूज़, और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी करूँगा, तो ये देखते हैं ये कैटेगरीज एक और बन के रेडी हो चुका है। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आप जो कैटेगरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और उनके ज़रिए यहाँ पे जो कि उन्हें अपने मेनूज में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से कैटेगरीज का यूज़ होता है, और इस प्रकार से आप अपने कैटेगरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। हम लेकिन नेक्स्ट टाइम बात करें वेब टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।